हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद सतेंद्र के माध्यम से आप लोगों के सामने हूं। जैसा कि मैं आप लोगों को बताऊंगा कि वर्तमान में जो कोरोना वायरस के चलते जो स्थिति बनी हुई है, तो पहले तो मैं यही बोलूंगा कि आप लोगों को घर में रहना है। अगर चाहते हैं कि हमारा देश आगे बढ़े, तो सर्वप्रथम आप लोगों के लिए यही काम है कि हम लोगों को घर में रहना है, साफ रहना है, सुरक्षित रहना है, तो हम लोग घर से बाहर नहीं निकलेंगे। सभी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, तो हमारी भी यही जिम्मेदारी है कि हम लोग से जो बोला गया है कि उनका पालन किया जाए। मैं सतेंद्र आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट और सामान्य अध्ययन के विषय पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लोग MPTET एग्ज़ाम देने वाले हैं, तो ये लेक्चर सीरीज आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। इस लेक्चर में आप लोगों को मैं अभिप्रेरणा मोटिवेशन समझाऊंगा, और इससे पहले मोटिवेशन पर एक वीडियो मैंने बना दिया है, और ये आपका सेकंड वीडियो होगा मोटिवेशन अभिप्रेरणा पर। तो प्लीज़ पहले वीडियो को आप जरूर देखिएगा, वहाँ पर बेसिक्स मैंने डेफिनेशंस बताई हैं जो आप लोगों के एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं, किसी भी स्टेट टेट के एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ये बेसिक सी जानकारी थी, और आज का लेक्चर आप देख रहे हो मोटिवेशन पर ही है। एक मनोवैज्ञानिक का नाम सुने होंगे, जिनका नाम है अब्राहम मैस्लो, ठीक है। तो अब्राहम मैस्लो का एक बहुत फेमस प्रिंसिपल है आपका मोटिवेशन में, वो आपका पूछते हैं। तो मैं लेक्चर को स्टार्ट करने जा रहा हूँ, तो ध्यान से सुनेंगे आप लोग। देखिएगा, अब्राहम मैस्लो का अभिप्रेरणा का आवश्यकता यानी कि नीड या मांग पूर्ति भी बोलते हैं, या मानवतावादी सिद्धांत, ये बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है कि मांग पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने। मानवतावादी सिद्धांत किसने दिया, मैस्लो ने। आवश्यकता का सिद्धांत किसने दिया, अब्राहम मैस्लो ने, ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब सर्वप्रथम मैस्लो जो थे, उन्होंने बोला है कि सर्वप्रथम हम लोग को अभिप्रेरित मोटिवेट होना है किसी वर्क के लिए, तो सर्वप्रथम नीड होना बहुत जरूरी है। नीड यानी कि आवश्यकता, यह आवश्यकता ही अभिप्रेरणा को जन्म देती है। पहली बात तो जो मैंने आपके सामने बोला, आवश्यकता ही अभिप्रेरणा को जन्म देती है। अब होता क्या है कि व्यक्ति अपने अस्तित्व यानी कि एग्जिस्टेंस के लिए किसी वस्तु की कोई ना कोई कमी तो महसूस करेगा, या आवश्यकता महसूस करता है, तो उसे प्राप्त करने के लिए वो एक्टिव होता है, क्रियाशील होता है, या अभिप्रेरित होने की कोशिश करता है। यानी कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ जरूर होगी, एक नीड जो होगी, जो सर्वप्रथम अभिप्रेरित होना है। अगर मैं आपसे बोलूँ कि अगर आपके रूम में 21-20 कुछ दिनों के लिए खाना रखा हुआ है, यानी कि एक हफ्ते के लिए ही मान लेते हैं, सब कुछ अवेलेबल चीज़ें हैं, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, तो क्या आप उस रूम से निकलोगे, नहीं निकलोगे। और जिस दिन खाना ख़त्म होगा, तो आपको एक नीड जरूरत पड़ेगी, वही नीड जो होती आपको अभिप्रेरित करने की। को जिस दिन खाना ख़त्म होगा ना, तो आप रूम से बाहर निकलोगे, आपको नीड की ज़रूरत पड़ेगी, आवश्यकता को। यानी कि अभिप्रेरणा के सिद्धांत में सर्वप्रथम बेसिक पॉइंट क्या होता है, आपकी नीड। नीड से ही आता है ड्राइव। ड्राइव का मतलब क्या है, नीड आ गई। अब क्या होता है, जैसे मैं आपसे बोलूँ खाना खा लिया होगा, खाओगे। पानी पी लिया होगा तो पियोगे, नहीं। खाना तब खाओगे जब भूख होगे। यानी कि एक ड्राइव होना जरूरी है, नीड तो आ गई, एक धक्का देना जरूरी है, ड्राइव। प्यास होना चाहिए, भूख लगना चाहिए, ये होना चाहिए आपका अंतर, जिसे अंतर्नोद या चालक कहते हैं। अब नीड हो गई, और फिर अपन का अंतर्नोद ड्राइव हो गया, जिसे चालक के बोलते हैं। और तीसरा, अगर हम लोग को किसी काम को प्राप्त करना है, उद्दीपक को प्राप्त करना है, गोल को प्राप्त करना है, उस तक पहुंचने के लिए अगर रिजल्ट पॉजिटिव आ जाए, या उस चीज़ को प्राप्त करने के लिए हम कुछ उसको बोले कि ये काम करोगे तो तुम्हें ये बोनस भी मिलेगा, तो वो थर्ड स्टेप है आपका बोनस, या इंसेंटिव, या उद्दीपक, ठीक है। ध्यान रखेंगे, ये चीज़ें जो मैंने बोली, ये मोटिवेशन से ही संबंधित हैं। इतनी बात हो गई। अब अब्राहम मैस्लो बोलते हैं कि किसी भी इंसान को ये जो मांग है, उसकी सर्वप्रथम क्या मांग हो सकती है। आगे बोलते हैं अब्राहम मैस्लो कि उन्होंने अपने सिद्धांत में मानव आवश्यकताओं की व्याख्या एक अनुक्रम, एक हायरिकी या सीढ़ी के रूप में की है। कहने का अर्थ ये है, मैस्लो बोल रहे हैं किसी भी इंसान की नीड जो होती है, एक क्रम के रूप में होती है। क्रम का अर्थ हो गया एक सीढ़ी, और सीढ़ी को बोलते हैं हायरिकी, यानी कि 1, 2, 3, 4, 5, ठीक है। ये हायरिकी देख रहे हो ना, इसी को बोलते हैं क्रम। यानी कि मैस्लो साहब ने एक क्रमता की बात करी, उसी क्रमता को हायरिकी या सीढ़ी का नाम दिया जाता है। तो हो सकता है एग्जाम में पूछ ले हायरिकी थ्योरी किसने दी थी, तो मैस्लो का कोई मोटिवेशन का मांग का सिद्धांत है। आगे बोलते हैं मैस्लो साहब, इनके अनुसार मानव की 5 अवस्थाओं का क्रम एक सीढ़ी के रूप में व्यवस्थित है। अब ये 5 क्रम होते क्या हैं, उनको हम नेक्स्ट स्लाइड में समझने का प्रयास करेंगे। चलिए,
अब देखिएगा ध्यान से, ये ट्रायंगल देख रहे हो आप लोग, है ना। ट्रायंगल में मैंने पांच बातें बोली हैं, ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। और ध्यान से देखो, एक से तीन तक निम्न स्तर है और चार पांच जो है वो आपका उच्च स्तर है, ठीक है। इतनी बात हो गई। अब यहां से एक से पांच तक पहुंचने के लिए इन डब्बों में, बॉक्स में क्या बताया गया है उसको मैं समझाता हूँ। एक बात बताओ आप लोग, जनरली किसी भी इंसान की बेसिक नीड क्या होगी? रोटी, यानी कि भौतिक आवश्यकता, रोटी, कपड़ा, मकान। अगर उसको फुल बिल्कुल ऊपर तक जाना है, उसकी बेसिक नीड होना बहुत जरूरी है, पूरी होना, तभी तो वो और आगे जाके मोटिवेट होगा। यानी कि अब्राहम मास्लो बोलते हैं कि प्रथम स्टेप में उसकी भौतिक आवश्यकता है या शरीर की भौतिक आवश्यकता है, उसको भूख हो गया, पूरा भूख हो गया, खाना हो गया, प्यास हो गया, उसकी इच्छाएं, उसकी शरीर की इच्छाएं, डिज़ायर, ये सबसे पहले पूर्व होना चाहिए, ठीक है। ये पहले स्टेप में बोला, डिज़ायर भी बता दिया मैंने आपको, इच्छाएं जैसे बोलते हैं। अब आगे बोलते हैं मास्लो कि प्रथम स्टेप में जब उसके शरीर की भौतिक आवश्यकता है, उसको रोटी खाना, प्यास पूरी हो जाती है, तो सेकंड में बोलते हैं कि सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा उस तरीके से हो गया कि आपको खाना मिल गया, लेकिन रहने के लिए तो चाहिए कुछ ना कुछ। घर, घर क्या देता है? सुरक्षा बरसात से हमें। कपड़ा क्या देता है? सुरक्षा हमें। आप बैंक में खाता क्यों खुलाते हो? क्योंकि घर का पैसा सेफ रहता है। बीमा क्यों कराते हो? वो आपको सिक्योरिटी देती है। यानी कि सेकेंड स्टेप में आ जाता है आपका सारा का सारा सुरक्षा से रिलेटेड काम, ठीक है। आपको खाना मिल गया, आपको सुरक्षा मिल गया दूसरे स्टेप में। अब थर्ड स्टेप में बोलते हैं मास्लो कि कोई भी व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से आइसोलेट नहीं है, अलग नहीं है, विलग नहीं, अकेला नहीं रहता, वो पूरी सोसाइटी में, समाज में रहता है। और समाज में क्या होते हैं? लोग, परिवार, रिश्ते, आसपास के परिवार, संबंध, रिलेशनशिप, शादी, जितना भी है आपका सोसाइटी, वो थर्ड स्टेप में आ जाएगा आपका, ठीक है। इतनी बात हो गई। लेकिन मास्लो बोल रहा है कि यहाँ तक तो ठीक है, 1, 2, 3 तक इसकी वैल्यू थोड़ी सी बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए निम्न स्तर बोला। आपको समाज भी मिल गया, लेकिन आपको एक रिस्पेक्टफुल लाइफ आगे ले जाने के लिए, सम्मान पाने के लिए, कोई भी पड़ोसी या कोई इंसान आपको ज़्यादा दिनों तक खाना नहीं खिला सकता। एक जनरली बात मैंने बोली, आपके पास कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो जो आपको समाज में आगे ले जाए, और वो क्या होता है? आपको रिस्पेक्ट कहाँ से आएगी? आपको नौकरी, यानी कि सम्मान, जो भी कुछ आप काम करोगे जो आपको समाज में इज्जत देगी। तो फोर्थ स्टेप है आपका नौकरी और सम्मान, ठीक है। चौथा स्टेप ये हो गया। अब लास्ट स्टेप देखिएगा, पांचवा। पांचवे में लिखा हुआ है अंदर छिपी हुई क्षमताएं या आत्मसिद्धि या मानवता। एक बार रफ कर देता हूं तो समझ में आ जाएगा। अब ध्यान से देखिएगा, अंदर छिपी क्षमताएं और आत्मसिद्धि और मानवता, ठीक है। कहने का अर्थ ये, जब इंसान को नौकरी मिल गई, नौकरी के बाद इंसान आत्मसिद्धि की ओर बढ़ेगा। आत्मसिद्धि का मतलब सेल्फ सेटिस्फेक्शन, उसको किस काम में अंदर से अच्छा लग रहा है, यही तो होता है मोटिवेशन आपका, इंटरनल मोटिवेशन। या उसकी कुछ ऐसी क्षमताएं छुपी हुई हैं, उस पर उसने काम नहीं किया, लेकिन उसको करने से अंदर से बहुत अच्छा लगता है। या इंसान जब अपने व्यक्तिगत हितों से ऊपर उठकर किसी दूसरे के बारे में सोचना चालू करे, गांधी जी की तरह व्यवहार, अम्बेडकर जी की तरह व्यवहार करे, यानी कि वो मानवतावादी सोच रखता हो, तो वो पाँचवें स्टेप में आता है। तभी तो अपन ने बोला है कि चौथा और पाँचवा उच्च स्तर की बात करेगा, ठीक है। ध्यान रखिएगा, मानवतावादी, सेल्फ सेटिस्फेक्शन यानी कि आत्मसिद्धि, और अंदर छिपी क्षमताएं पांचवे पे है। जैसे मैं आपसे बोलूं कि आपने कोई काम किया, ठीक है, जॉब करी, वो आपको सेटिस्फेक्शन दे रहा है, आपको नौकरी मिल गई चौथे स्टेप में, लेकिन कहीं ना कहीं आपका रुझान जो था वो म्यूजिक की तरफ था, वो अंदर छिपी क्षमताएं थी। अगर उस चीज को, क्षमताओं को पूरा करना चाह रहे हो, तो वो पांचवे स्टेप में शामिल कर ली जाएगी आत्मसिद्धि में, क्योंकि उस चीज से सेल्फ सेटिस्फेक्शन मिलती है। यही अब्राहम मास्लो का सिद्धांत था। फर्स्ट से फाइव तक उन्होंने कुछ स्टेप बताए। ये एग्जाम में आपका जनरली पूछा जाता है, ये वाला सिद्धांत, ठीक है। तो ये अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का नीड थ्योरी थी, या मांग का सिद्धांत था, मांग पूर्ति का, उसकी नीड डिमांड कैसे धीरे धीरे बढ़ रही है आप समझ सकते हैं। तो ये था सिद्धांत। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर कुछ आपको स्लाइड नहीं दिख रही है। अब हमारा लास्ट टॉपिक है अभिप्रेरणा के घटक, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, तीन घटक होते हैं अभिप्रेरणा के। सबसे पहले नीड, नीड यानी कि आवश्यकता। अगर मोटिवेट होना है, कोई काम में आगे बढ़ना है, तो सर्वप्रथम किसी भी इंसान को कोई ना कोई एक ऐसी जरूरत जरूर होगी जो उसको आगे ले जाने के लिए उसको ड्राइव करेगी, ठीक है। तो अभिप्रेरणा के तीन घटक, सबसे पहला नीड,
दूसरा है चालक। चालक को बोलते हैं अंतर्नोद या ड्राइव। यानी कि ड्राइव का अर्थ ये हो गया कि आप खाना तभी खाओगे जब भूख लगेगी, पानी तभी पियोगे जब प्यास। यानी कि एक ड्राइव होना जरूरी है, नीड मिल गई, अब उस नीड जो आपका जो प्राप्त करना चाहते हो उसमें ड्राइव होना चाहिए। और गोल तक पहुंचने के लिए लास्ट तीसरा होता है आपका उद्दीपक। उद्दीपक को बोलते हैं, यहाँ पर इंसेंटिव बोला गया है, यानी कि आपका परिणाम। अगर परिणाम, इंसेंटिव, उद्दीपक का अर्थ तीसरा स्टेप मैंने जैसे बोला, अगर आप ये काम करोगे उसमें ड्राइव भी है, अगर ये काम करोगे तो आपको मैं ये बोलूँ कि 50 रुपये का इनाम भी मिलेगा, तो वो एक इंसेंटिव है। जो थर्ड स्टेप है आपका उद्दीपक के लिए, परिणाम आपका पॉजिटिव बनाने के लिए। तो तीन घटक होते हैं आपकी अभिप्रेरणा के, ध्यान रखेंगे, पहला होता है नीड, दूसरा होता है ड्राइव या चालक या अंतर्नोद, और तीसरा होता है आपका उद्दीपक या इंसेंटिव या परिणाम। ठीक है, तो ये था हमारा अभिप्रेरणा का, मोटिवेशन का बेसिक जानकारियाँ। नेक्स्ट लेक्चर में एक दो प्रिंसिपल्स और रह गए हैं मोटिवेशन के, तो मैं नेक्स्ट लेक्चर में पार्ट 3 में करा दूंगा। अब मैं आपसे थोड़ी बहुत बात करूँ। देखिएगा, मेरा नाम सतेंद्र, यूट्यूब चैनल आप सामने देख रहे हो स्टडी विद सतेंद्र। मैं आप लोगों को, खुद आप लोगों के लिए चाइल्ड डेवलपमेंट आप लोगों के लिए लेक्चर बना रहा हूँ। अगर आपको थोड़ा सा ही पसंद आ जाए ना तो लाइक कर दीजिए, करना ही है, शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है, और दूर दूर तक इसको सब्सक्राइब करें। मैं आपका फ्रेंड सतेंद्र आप लोगों को चाइल्ड डेवलपमेंट और सामान्य अध्ययन के विषय पढ़ा रहा हूँ। अगर लेक्चर आपको पसंद आए तो प्लीज़ देर ना करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें। इधर तो नहीं दिख रहा है, थोड़ा वक्त लगेगा, जल्दी जल्दी धीरे धीरे पढ़ेंगे। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। थैंक यू, ओके, बाय बाय, धन्यवाद।